क्योंकि हम जानते हैं दुनिया में सबसे ऊंची पर्वत की चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8849 मीटर है। इस पर करीबन अब तक 11,000 बार चढ़ाई की जा चुकी है। अगर वहीं हम कैलाश पर्वत की ऊंचाई की बात करें तो वह सिर्फ 6638 मीटर है। फिर भी कोई इसकी चोटी चढ़ ना सका और जिसने भी वहां जाने का मन बनाया वो वापस लौट कर नहीं आया। आइए जानते हैं यहां जाना किसी के लिए भी संभव क्यों नहीं है। साइंटिस्ट जब इसका जवाब देने की कोशिश करते हैं तो वो बताते हैं कि कैलाश पर्वत पर रेडियो एक्टिव तरंगे बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इसकी चढ़ाई करने वाले लोग दिशाओं का ध्यान नहीं रख पाते और उन्हें दिशा भ्रम हो जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि कैलाश पर्वत पर समय बहुत जल्दी बीतता है, मतलब कब दिन से रात हो जाती है इसका पता ही नहीं लगता, और जो कोई भी इसकी चढ़ाई करने की कोशिश करता है उसके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। साइंस के हिसाब से कैलाश पर्वत हमारी धरती का केंद्र बिंदु है। हमारी धरती के दो पोल हैं, एक नॉर्थ में जिसे हम उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं और दूसरा दक्षिणी ध्रुव जो कि साउथ में पड़ता है। इन दोनों के बीचों बीच पड़ता है हिमालय और इसी हिमालय का सेंटर पॉइंट है रहस्यों से भरा कैलाश पर्वत। ये पर्वत सिर्फ धरती का ही केंद्र बिंदु नहीं है बल्कि इसे दुनिया के चार बड़े मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख का भी सेंटर माना जाता है। अगर इस पर्वत को पिरामिड की तरह देखें तो कैलाश पर्वत अपने आप में एक बहुत बड़ा पिरामिड है और ये पिरामिड 100 छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है। हिंदू धर्म की मान्यताओं की माने तो भगवान शिव अगर कहीं निवास करते हैं तो वो है कैलाश पर्वत। ये पर्वत रहस्यों से भरा हुआ है, इसको आज तक विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया। कहा जाता है कि यहाँ पर जाना किसी के बस की बात नहीं और अगर कोई जिद करके यहाँ आने की कोशिश करता है तो वह कभी कैलाश तक पहुँच ही नहीं पाता है। आधे रास्ते से ही वो या तो वापस आ जाता है और या फिर हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह देता है। लेकिन ऐसा क्या है यहाँ चढ़ना इतना मुश्किल है? हिंदू धर्म को मानने वाले कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि कैलाश पर साक्षात भगवान शिव निवास करते हैं और वहाँ पर अलौकिक शक्तियाँ निवास करती हैं जिसकी वजह से कोई भी ऐसा इंसान जिसने अपनी लाइफ में कुछ बुरा किया हो या पाप किया हो वो कभी भी इस पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर सकता। जनवरी 2004 में रशिया के वैज्ञानिकों ने यूएन स्पेशल मैगजीन में एक रिपोर्ट छापी जिसके अकॉर्डिंग 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन उनका क्या हुआ, वो वहां पहुंच भी पाए या नहीं, ये सब कैलाश पर्वत की तरह एक मिस्ट्री है। कैलाश पर्वत में दो मेन झील है, एक खारे पानी की और एक मीठे पानी की। पहली है यहाँ मौजूद मानसरोवर झील जो दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील है। कहा जाता है कि इस झील का आकार सूर्य के समान है और दूसरी है राक्षस झील जो दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। इस झील की तुलना चांद से की जाती है। मान्यताओं के अनुसार जो कोई भी इस मानसरोवर झील में डुबकी लगा लेता है उस इंसान के साथ जन्मों के पाप धुल जाते हैं। आम लोगों का कहना है कि मानसरोवर झील वाले एरिया में हमेशा डमरू और ओम की आवाज सुनाई देती है। यहाँ हमेशा ऐसा लगता है कि पास से कोई एरोप्लेन गुजर रहा है, लेकिन अगर इसी आवाज को आप ध्यान से सुनेंगे तो डमरू और ओम की आवाज होती है। आम लोगों के बिल्कुल अपोजिट वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि हो सकता है कि ये आवाज बर्फ के पिघलने की हो सकती है या फिर ध्वनि और प्रकाश के मिलने से क्रिएट होती होगी। इन झीलों के अलावा यहाँ कई सारी नदियाँ बहती हैं जैसे ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु और कर्णाली यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। ये चारों नदियाँ कैलाश पर्वत के चारों दिशाओं से बहती हैं। कोई भी पर्वत देखने में बेसिकली ट्रायंगुलर शेप का होता है लेकिन कैलाश पर्वत की शेप चौमुखी है। कहा जाता है इन नदियों के अलावा इस पर्वत के चारों दिशाओं में चार जीवों के मुख हैं। पूर्व दिशा में घोड़े का मुख है, पश्चिम दिशा की ओर गजमुख यानी हाथी का चेहरा है और उत्तर में सिंहमुख यानी शेर का मुख है और आखिरी में दक्षिण दिशा में मयूर मुख यानी मोर का चेहरा है। कैलाश पर्वत पर बहुत सी अजीब सी चीजें हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता। उन्हीं में से एक है यहाँ 7 रंग की निकलने वाली लाइट। ऐसा दावा किया जाता है कि कैलाश पर्वत पर करीब 7 रंग की लाइट चमचमाती हुई नजर आती है। इसे लेकर नासा के साइंटिस्ट का कहना है कि ऐसा मैग्नेटिक फोर्स की वजह से पॉसिबल हो सकता है। ये मैग्नेटिक फोर्स मिलकर यहाँ पर बहुत सी चीजें बनाती है जिसे देखकर वैज्ञानिक के भी होश उड़ जाते हैं। इन लाइट और साउंड के अलावा कुछ और भी बहुत अजीब है और वो है यहाँ पाए जाने वाला भालू जैसा ही अजीब जानवर जिसे लोग यति और हिम मानव भी कहकर बुलाते हैं। कई लोग इसे बुरा भालू भी कहते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि ये यति इंसानों को खा जाते हैं। दुनिया भर के 30 से भी ज्यादा वैज्ञानिक यति होने की बात को सच मानते हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर जब सूर्य की पहली किरण पड़ती है तो उसके ऊपर विशाल स्वास्तिक की शेप बन जाती है। स्वास्तिक के निशान को हिंदू धर्म में ओम की तरह ही बहुत पवित्र निशान माना जाता है। आज हमने जितनी भी चीजों के ऊपर बात करी वो सभी शुरुआती समय से सिर्फ एक रहस्य है जिसे चांद और मंगल पर पहुंचने वाले साइंटिस्ट भी अभी तक नहीं सुलझा पाए हैं।